नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सच्चिदानंद राय ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर कहा कि जो विपक्षी दल हैं उन लोगों ने इंडिया गठबंधन बनाया है, सबका अपना स्वार्थ है। जब उनको लगता है कि पीएम मोदी को रोकना चाहिए तो वो सभी एकजुट होकर रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन भाजपा को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा व बसपा का गठबंधन हुआ था, उसके बाद भी भाजपा ने 80 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हम लोग सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से व कार्यकर्ताओं के सेवा भाव के कारण सर्व समाज भाजपा के साथ खड़ा है, इसलिए गठबंधन एक हो या अलग हो इससे भाजपा को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में हम 5 राज्यों में सरकार बनाने जा रहे हैं और एक अच्छी स्थिति में भाजपा चुनाव जीत रही है। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सच्चिदानंद राय ने कहा, देखिए ये जो हमारे विपक्षी दल है इनका आपस में वो अभी चर्चा में है कि एनडीए गठबंधन बना के सबके अपने अलग अलग स्वार्थ हैं, और वो कभी जब उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी रोको तो एकजुट होने का अपना प्रयत्न करते हैं, लेकिन उन लोगों के अपने अपने अलग अलग स्वार्थ हैं जिसके कारण वो उनकी जब तक स्वार्थ सिद्ध होता है उनके साथ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा 2019 में एक महाबड़ा गठबंधन हुआ था सपा बसपा का, उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी 62 लोकसभा 80 में 62 सीट जीत दर्ज की थी, और हम आज भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार दोनों के समन्वय से हम सभी वर्गों को हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, हमारे संगठन के जो कार्यकर्ता उनके सेवा भाव के कारण आज सर समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। गठबंधन एक हो चाहे अलग हो उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं। अभी जो 5 विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, 5 राज्यों में ठीक है, अभी मीडिया में और सब लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल सर्वे है, हम हर प्रदेशों में सरकार बनाने जा रहे हैं, और हमारे कार्यकर्ता जैसे उत्तर प्रदेश में उसी तरीके से, और बड़ी संख्या में हमारे उत्तर प्रदेश के भी कार्यकर्ता अन्य दोनों गुजरात और अरे राजस्थान और मध्य प्रदेश में गए, और हमारे कार्यकर्ता जो गए हैं वहाँ की रिपोर्ट हम लोगों से प्रायः बातचीत होती रहती है। एक अच्छी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी वहाँ उभर करके फिर आ रही है।